गिरीनामा गिरीनामा मंच पे आ जाए, मेरे सामने आ जाए। योजनी अखाड़े से राधे के लिए और कैशव गुरु जी महाराज हमारे बीच में हमारे देवी अखाड़े के पीठाधीश्वर श्री राधेगिरि जी महाराज नवनियुक्त बलबीरपुर जी महाराज को घंटाई के याद में हाजिर कर हमारे बीच में आनंद पीठाधीश्वर श्री महाबलेश्वर आचार्य बालकंदन जी की नारायणगिरि जी महाराज वो चादर हाजिर कर रहे हैं। हमारे जूना अखाड़े के महाबलेश्वर श्री श्री 1008 श्री 1008 महामंडलेश्वर हमारे निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष है महाराज श्री, आपने इनको सुना बहुत हमारे ओजस्वी तेजस्वी महाराज श्री है जी महाराज महाराज हमारे 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 मसूरी से आए हुए बीच में चुनाव आने के पूर्व सचिव जो हमारे राजनीति में जिनका कद बहुत ऊंचा है वो सक्रिय है, जिनको हम हर बार पदवी दे चुके हैं हमारे आराम से हमारे जी महाराज जो हमारे निजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है बलबीर गिरि जी महाराज को हमारे नरेंद्र गिरि जी महाराज की जो इच्छा थी उसको पूरा किया। इच्छा उनकी ये थी कि बलबीर गिरि जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए और समाज ने जो है बलबीर गिरि को यहाँ का अध्यक्ष बनाया है और हमें उससे आशा है, उम्मीद है कि वो मठ का विकास करेगा, विद्यालय का विकास होगा, मुरादाबाद में विकास में अपना जो है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये पटाभिषेक और चादर विधि इसमें अंतर है। पटाभिषेक हमारे यहाँ जब महामंडलेश्वर बनाया जाता है, महामंडलेश्वर नियुक्त हो जाता है उस समय पटाभिषेक आ जाता है, जब हमारे महंथाई की नियुक्ति होती है उसको चादर विधि कहा जाता है। आज हमारी चादर विधि हुई है, बलबीर गिरि जी महाराज को यहाँ का महंत बनाया गया है और इसको चादर विधि कहा जाता है। महाराज जी आपने कुछ चेक बैलेंस लगाया है कि इसकी जमीनें ना बिके और कुछ देखिए वो परंपरा हमारी है, खाली इन्हीं के ऊपर नहीं है। हम भी जो है हम चंद्र अखाड़े के सचिव है, मनसा देवी के अध्यक्ष है, हमें भी जितने महंत संत हमारे जो पद पे आते हैं उनके ऊपर एक पंच होता है, कमेटी होती है, अगर वो कोई जमीन बेचता है कोई ऐसा कार्य करता है जो धर्म के विपरीत है उसको अखाड़े से तुरंत बहिष्कृत किया जाता है। कितने परंपरा ये नियम है, ये कि नहीं कितने अखाड़ों ने भाग लिया आज? देखिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े थे परंतु हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े जो है वो इलाहाबाद मेले में हमसे अलग हो चुके हैं और इस समय जो हमारा अखाड़ा परिषद 10 अखाड़ों की परिषद हमारी है और 10 अखाड़े के जितने भी सचिव उपस्थित महाराज जी ये बताया कि अब वारिस का विवाद खत्म हो गया है इस वारिस पे। देखिए आप जो दे रही है वारिस का विवाद नहीं था, विवाद कुछ नहीं था, विवाद बनाया गया है, उसको जो टीवी में दिखाया गया है, विवाद हमारा कोई नहीं है, संतों में विवाद नहीं होता है। मैंने आपको भी कहा था संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बजाए और की दे दी अपना रंग, संत जो होते हैं संत अपना जो भी कुछ है समाज के लिए अर्पित करता है, समाज को लुटा देता है, समाज को देता है, अब ये कुछ नहीं होता। धन्यवाद। आशीर्वाद।